झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। दिन शुक्रवार को कोलकाता से पैदल चलकर वास्तुकार गीता बालकृष्ण मनिका प्रखंड पहुंचे, जहां भाजपा मनिका मंडल के अध्यक्ष अजीत कुमार, मनदीप कुमार, शंभू पासवान, शिवराम, अमरदीप कुमार समेत कई कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं बातचीत के दौरान गीता बालकृष्ण ने बताया कि 13 फरवरी को कोलकाता से हमारी यात्रा शुरू हुई और हमारी यात्रा दिल्ली तक की है, जिसकी दूरी लगभग 1700 किलोमीटर की है, जिसमें मैं 500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हूं। उन्होंने कहा कि हमारा पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। मैं जब पैदल यात्रा करती हूं तो लोगों को वास्तुकार क्या है, ये कौन सी कला है, इसके विषय में जानकारी देते हुए अपनी पैदल यात्रा तय कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक लोग इस कला के प्रति जागरूक हो सकें। मौके पर काफी लोग वास्तुकार गीता बालकृष्ण की बातों को सुनकर उनके कार्यों की तारीफ कर रहे थे। नमस्ते, मैं कलकत्ता से निकली 13 फरवरी को और दिल्ली 17 या 20 के करीब पहुँचने का इरादा है। यूपी से जाने का था पहले, लेकिन यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं इसीलिए मध्य प्रदेश के थ्रू जा रहे हैं, तो झारखंड, और बहुत सुंदर निकला है झारखंड का यात्रा हमारे लिए। आपकी यात्रा कब से चालू हुई है? 13 फरवरी से। 13 फरवरी से। कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? 1700 के करीब होगी जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, और आज 500 खत्म हुआ है, तो आज शुभ दिन है। लोग क्या संदेश देना चाहते हैं पैदल यात्रा करके? तो मैं जो हूँ वास्तुकार हूँ, और वास्तुकार जो आर्किटेक्ट जो घर का नक्शा बनाता है वो हूँ, और मैं जब रास्ते में चलती हूँ आधे 90% लोगों को वास्तुकार कौन है, क्या करते हैं, ये कला क्या है, आर्किटेक्ट के बारे में कुछ जान पहचान है। तो उद्देश्य ये है कि एक तो आर्किटेक्ट को ज़्यादा दिखना चाहिए, समुदाय में आके ज़्यादा करना चाहिए, ताकि लोग जान सकें कि उनकी कला से उनकी लोगों का जीवन कैसे बदल सकता है। जब आर्किटेक्ट दिख के ये दिखाने लगेंगे तभी लोग उनका मायने भी समझेंगे। जी मैम, आपका नाम? गीता बालक।